असली पूरन सिंह का ढाबा यही है जहां पर पूरन सिंह जी की रेसिपी मिलती है। कीमा कलेजी, ओह भाई साहब वो गजब यार आया है, मजा आ गया। और भाई ओहो भाई साहब एकदम। तो मेरे साथ विशाल अत्री भाई हैं, पूरन सिंह के सन हैं, अडॉप्टेड सन। बात करते हैं इनसे, आप क्या खा रहे हो पहले ये बताओ। मटर नहीं, आप क्यों मटर पनीर खा रहे हो, दुनिया को खिला रहे हो मटर, वो मटन चिकन ऐसा क्यों? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम हैं अंबाला कैंट में, असली पूरनदे ढाबे पर। बहुत ज़बरदस्त रिकमेंडेशंस थी और बीच में से गाय निकल रही है, कोई बात निकलने जाने दो इनको। और बहुत ज़बरदस्त रिकमेंडेशंस थी और बहुत ज़्यादा क्रेज़ है अंबाला कैंट में, कहें या नॉन वेज लवर्स जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आना पसंद करते हैं। इनका मटन करी है, चिकन करी है और इनका कीमा है, बड़ा फेमस है। चलिए ट्राई करते हैं, रिव्यू करते हैं, बताते हैं आपको इसकी प्राइस क्या है इसका, और चख के बताएंगे कि क्या वाकई में पूरनदे ढाबे का नॉन वेज ज़बरदस्त है। चलिए अंदर। हाँ, दोस्तों ये गर्मा गर्म कीमा कलेजी हमारी आ चुकी है, धुआं निकल रहा है और भाई साहब टेस्टिंग करने वाले हैं जल्दी से कीमा कलेजी। ओह भाई साहब वो गजब यार आया है, मज़ा आ गया, मुँह में पानी आ रहा है। और ये है हमारी चिकन करी, ये है हमारा लेग पीस, ओए तंदूरी चिकन का लेग पीस भी मुझे पसंद है और भाई साहब चिकन करी का भी मुझे लेग पीस ही पसंद है। आपको कौन सा पीस पसंद है जल्दी कमेंट करके बताओ। फिलहाल मैं करने वाला हूँ रिव्यू पूरनदे ढाबे का अंबाला कैंट वाले। ये देखिए तंदूरी रोटी और भाई साहब ये कीमा कलेजी और ये गरम गरम। स्पाइसी, मसालेदार, खड़े मसाले ज़बरदस्त। बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब स्पाइसी खाना है आपको नॉन वेज तो मुझे लगता है कि इसीलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा आना पसंद करते हैं। कीमा कलेजी स्पाइसी, मज़ा आ गया, वेल कुक्ड कीमा कलेजी नंबर एक। अब समझ आया कि भैया यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। और भाई ओहो भाई साहब एकदम लगाते ही रोटी हो गया पीस। बेहतरीन। जो भी मसालेदार है, खड़े मसाले ज़बरदस्त डाले हुए हैं और एक अलग टेस्ट आ रहा है, घर जैसा नहीं कहूँगा, ढाबे वाला टेस्ट है पूरा। तो मुझे दोस्तों इससे ज़्यादा, मतलब अपने कीमा कलेजी से ज़्यादा अच्छा चिकन लगा, क्योंकि चिकन का स्वाद थोड़ा बेटर है कीमा कलेजी से और ग्रेवी इनकी चिकन करी की बड़ी ज़बरदस्त है, थोड़ी थिक ग्रेवी है, मसाले ज़बरदस्त हैं इसके अंदर, क्योंकि शायद मेरा पर्सनल फेवरेट चिकन है इसलिए चिकन करी पसंद है मुझे। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि इससे अच्छा मैंने खाया नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बेहतर टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है। नॉन वेज लवर्स क्यों आते हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी जो पसंद करते हैं, चटपटा पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ आना पसंद करते हैं। मेरी तरफ से दोनों चीज़ें बढ़िया हैं, इनकी प्राइसिंग मैं अभी आपको बता देता हूँ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों बात करें इनकी मटन करी की, मटन करी 400 रुपये फुल है, हाफ़ है 200 रुपये। कीमा कलेजी की बात करें, कीमा कलेजी है 400 रुपये फुल, हाफ़ है 200 रुपये। और चिकन करी है 170 रुपये की फुल, हाफ़ है ही नहीं हाँ। तो मेरे साथ विशाल अत्री भाई हैं, पूरन सिंह के सन हैं, अडॉप्टेड सन। बात करते हैं इनसे, आप क्या खा रहे हो पहले ये बताओ। मटर पनीर, आप क्यों मटर पनीर खा रहे हो, दुनिया को खिला रहे हो मटर, वो मटन चिकन ऐसा क्यों? शाम को पार्टी है मेरे घर में, कोई गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं टेस्ट करूँ कैसा नमक, टेस्टिंग कर रहे हो? अच्छा, बाकी चीज़ भी टेस्ट करते हो डेली? अभी मीट खाता हूँ, कभी मुर्गा, कभी कीमा, कभी छोले, कभी चावल, सब टेस्ट करता हूँ मैं। अच्छा, कम है ये ज़्यादा है। अच्छा, ये बताओ कि आप पूरन सिंह जी के अडॉप्टेड सन हैं? यस। अच्छा, पूरन सिंह जी ने कब स्टार्ट किया था? 1949 में। 1949 में किया था। बाकी ऐसी कुछ यादें पूरन सिंह जी को जो आपको अब तक आती हैं? मतलब कि वो शरीफ थे, कोई बिल ना भी देते, कोई पुरा नहीं करते थे, कोई रोटी खा ले तो और क्या। हाँ, और बहुत अच्छा उनका नेचर था,
कभी उसे उन्हें गुस्सा नहीं आता था और ना वो ड्रिंक करते थे ना कुछ करते थे, बस सेफ रहते थे वो अपने। और ये रेसिपी के बारे में बताओ, रेसिपी उन्हीं की है? हाँ रेसिपी उन्हीं की है ये, जो सिर्फ आपको पता है। हाँ हमें पता है। हमें बताओ। नहीं नहीं रेसिपी नहीं बताते। अंबाला में असली पूरन सिंह का ढाबा कौन सा है दोस्तों, इस बात को लेकर कई सालों से सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन हमने तफ्तीश की तो पता चला कि विशाल ही है पूरन सिंह जी के गोद लिए हुए बेटे, जो अब पूरन सिंह जी की बताई हुई रेसिपी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो असली पूरन सिंह का ढाबा यही है जहां पर पूरन सिंह जी की रेसिपी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए खिचड़ी द फूड चैनल।